समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें अखिलेश ने सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और अखिलेश ने क्या कहा। नमस्कार, मैं ज्योति। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें MIM न्यूज एक्सप्रेस। विजय यात्रा लेकर ललितपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिन्नौर बाग मैदान में जनसभा की। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां खाद के लिए किसानों की जान जा रही है। सपा सरकार आएगी तो खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। विजय यात्रा में आई भीड़ को देखकर अखिलेश ने सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत है। अखिलेश ने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बसों और रेल के किराए भी बढ़ गए हैं, बिजली आ नहीं रही लेकिन दाम बढ़ गए हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं कराया है। सब समाजवादी पार्टी सरकार के विकास कार्यों का नाम बदलकर उद्घाटन किए जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में दो फसल उगा सके। अगर दो फसलें उगने लगी तो बुंदेलखंड के किसानों का दुख दूर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी और लॉकडाउन में लाइन लगाने के बाद अब खाद के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगना पड़ा, लॉकडाउन में लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लाइन में लगने और पैदल चलने के कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भाजपा सरकार ने बैरिकेड लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चिलमजीवी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के दाग दीवारों पर लग गए हैं उन्हें साफ करवा दे, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। यह झूठ की सरकार है। झूठ में इस सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया है। जो लैपटॉप चलाना नहीं जानते वह प्रदेश क्या चलाएंगे। अब वो टैबलेट व मोबाइल बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें बुंदेलखंड के महोबा व ललितपुर में सबसे ज्यादा गरीब हैं। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दमदार सरकार है। यह दमदार सरकार नहीं, इनके पास दमदार झूठ है। अखिलेश यादव ने साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में खेला हुआ है लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक खदेड़ा होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें MIM न्यूज एक्सप्रेस।